देश के मशहूर कारोबारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा यूं ही करोड़ों लोगों के दिलों पर राज नहीं करते। उन्हें चाहने वाले जानते हैं कि आनंद महिंद्रा एक ऐसे उद्योगपति हैं जो अपना कारोबार संभालने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने और जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों की मदद कर चुके आनंद महिंद्रा इस बार लौंगी भुइया की मदद करने जा रहे हैं। वही लौंगी भुइया जिन्हें बिहार का दूसरा दशरथ मांझी कहा जा रहा है। बिहार के गया जिले के रहने वाले लौंगी भुइया एक गरीब मजदूर हैं, लेकिन मेहनत, लगन और दूसरों के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने लौंगी भुइया को दिल से अमीर बना दिया है। ऐसे समय में जब लोग दूसरों के बारे में सोचने से भी कतराते हैं, तो वहीं लौंगी भुइया ने अपनी लगन और मेहनत से अकेले ही 3 किलोमीटर की नहर खोदकर पानी का रास्ता अपने गांव के खेतों की ओर मोड़ दिया। इस असंभव काम को करने में उन्हें 30 साल लग गए। लौंगी भुइया की इस मेहनत और लगन ने आनंद महिंद्रा को भी चौंका दिया था। उन्होंने तो लौंगी भुइया की नहर को ताजमहल जैसा खूबसूरत बता दिया था। गांव वालों के लिए नहर खोदने में अपनी जिंदगी के 30 साल खपा देने वाले लौंगी भुइया को अभी भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ट्रैक्टर के सिवाय, जिससे संभवतः वो खेती करना चाहते होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए रोहिन कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, गया के लौंगी मांझी ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगाकर नहर खोद दी। उन्हें अभी भी कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक ट्रैक्टर के। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनकी बड़ी मदद हो जाएगी। यूजर ने आगे लिखा कि आनंद महिंद्रा को इस शख्स को सम्मानित करने पर गर्व होगा। आनंद महिंद्रा ने इस ट्विटर यूजर को तुरंत जवाब दिया और लौंगी भुइया को ट्रैक्टर गिफ्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने ट्वीट किया, उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। आनंद महिंद्रा ने कुछ ही दिन पहले लौंगी भुइया की तारीफ की थी और कहा था कि कई शानदार इमारतों का निर्माण किया गया है जिसमें दशकों तक मेहनत और पसीना बहाया गया, लेकिन ये सब मुख्यतः अपनी प्रजा के परिश्रम द्वारा निरंकुश शासकों का काम होता था। मेरी नजर में ये नहर किसी पिरामिड या ताज से कम गौरवशाली नहीं है। ट्रैक्टर देने का वादा करते वक्त आनंद महिंद्रा ने इस ट्वीट का भी जिक्र किया। साथ ही ट्विटर यूजर से पूछा, बताइए लौंगी भुइया तक कैसे पहुंचा जा सकता है, जिस पर यूजर रोहिन कुमार ने महिंद्रा की टीम का लौंगी भुइया से संपर्क कराया। बता दें 65 साल के हो चुके लौंगी भुइया के परिवार में पत्नी रामरति देवी और 2 बेटे हैं। एक बेटा बाहर रहता है और दूसरा घर पर ही। जिस वक्त उन्होंने नहर खोदने का काम शुरू किया था, लोग हंसने लगे थे और कहते थे कि लौंगिया पागल हो गया है। इसलिए लोगों के ताने से बेखबर लौंगी भुइया अपने काम में लगे रहे और नहर खोद कर दिखा भी दी। उनके काम से जल विभाग के अधिकारी भी बेहद प्रभावित हुए और एक बड़ी मेड़ बनवा दी है, जिसका नाम लौंगी आहर रखा गया है।